दांतारामगढ़ दांता कस्बे में मंगलवार को पुलिस थाना दांतारामगढ़ के तत्वावधान में एससीआर दाना शिवम हॉस्पिटल वैशाली नगर जयपुर के सौजन्य से हेलमेट एवं यातायात नियम जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को थाना अधिकारी श्री राम कसवा, चौकी प्रभारी मनोहर लाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश चेजारा, सरपंच हरक चंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय दांता से रवाना की, जो कि कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। रैली के पश्चात थानाधिकारी श्रीराम कसवा ने बच्चों को यातायात के नियम, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट किस प्रकार हमारी जीवन की रक्षा करता है एवं सड़क पर वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही थाना अधिकारी ने युवाओं में फैल रही गांजे का नशा करने की लत के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि क्षेत्र में स्कूल कॉलेज के युवाओं में गांजे का नशा करने की बुरी लत पड़ रही है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर कोई भी गांजा पीते हुए या बेचते हुए मिलता है तो आप इसकी सूचना पुलिस को दें। थाना अधिकारी ने बताया कि बिना हेलमेट या यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर कोई वाहन चालक पाया गया तो अब से पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उपसरपंच भगवानाराम कुमावत, प्रधानाचार्य केसर सिंह खींचड़, मनोहर चेजारा, ग्राम पंचायत लिपिक लिखमाराम रोलन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। द्वारा सड़क सुरक्षा रैली के माध्यम से बच्चों में एक संदेश दिया है कि दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन को सड़क पर चलते हुए शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इन चीजों के माध्यम से एक जागरूक रैली निकाली थी और इस जागरूक रैली के निकालने के पीछे मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। और पुलिस महानिदेशक राजस्थान के द्वारा वर्ष 2019 में जो अपनी प्राथमिकताएं निश्चित की हैं उसमें एक प्राथमिकता ये भी है कि वर्ष 2019 के अंदर सड़क सुरक्षा के दौरान जो मृत्यु होती है उनमें 10% की कमी लाना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे भी हमारा ये उद्देश्य है। इसी के साथ ये आज आयोजन किया गया, इसमें लोगों को संदेश जाएगा और इन चीजों में सुधार। ये एक ऐसा नशा है जिसकी बदबू भी नहीं आती और दिमाग को वातावरण कर देता है, जैसे दिन साबुन से कपड़ा धोते हैं ना, वैसे ही आपके दिमाग को वो गांजा घोल देता है। तो आप लोग जो कोई भी लड़का ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठता है उसको ध्यान रखना है कि वो गांजा नहीं पिए। बीड़ी सिगरेट के साथ मिला के देते हैं ये, तो उससे बचे। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और आपकी उम्मीदों पर से भी कामना करता हूँ। इतना हो गया, इनकी स्पीड इतनी हो गई और अच्छा भी लगता है सबको, मेरे को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। जब उस पर बैठ के चलते हैं तो एक अच्छा स्वाभिमान सा आता है कि यार अपन चल रहे हैं उस पर चल के, लेकिन उसकी मर्यादाएं हैं, उसकी स्पीड है। वो आपको इस सड़क पे ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ मैं कितनी स्पीड से चलाऊं, किस दिशा में चलाऊं, कैसे चलाऊं, तो वो चीजें अगर आप या चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप सफल हो जाओगे। आपका चलना भी अच्छा है, हर चीज अच्छी है, लेकिन आप गलती करोगे तो उसका खामियाजा ना आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा और उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप कि कितना खामियाजा ना हुआ। सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं कि हर मुखिया का एक कर्तव्य होता है कि मेरे जो नीचे हैं वो मैं जो काम बताऊं वो करें। वो आपके लिए भी है कि आपके प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल साहब हैं कि भाई इस साल अपने को अपना रिजल्ट इतना अच्छा रखना है, इतनी पढ़ाई।